दोस्तों आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो कंप्रेसर का थिम्बल होता है उसको कैसे रिपेयरिंग करते हैं। तो यहां देख सकते हो, हमने कंप्लेन पे गए थे और यहां पे थिम्बल पूरी तरह से उड़ गया है। तो ये उड़ता क्यों है आपको पता ही होगा, लूज कनेक्शन या तो अब जो कंप्रेसर है पुराना हो जाता है तो आईएम्स लेता है, इसकी वजह से थिम्बल जो है वो उड़ जाता है। तो यहाँ देख सकते हो ये थिम्बल किस तरह से उड़ गया है, पूरा जल के राख हो गया है। तो आज इसको हम रिपेयरिंग करके आपको बताएंगे कि किस तरह से थिम्बल को रिपेयरिंग करते हैं अगर ये थिम्बल पूरी तरह से जल जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, हमारा जो थिम्बल है वो पूरी तरह से उड़ गया है और आज इसको हम बताएंगे आपको कैसे रिपेयरिंग करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से सफाई करना है आपको, पॉलिश पेपर की मदद से इसको पूरा अच्छे से सफाई कर लेना है। और यहाँ पे एक लेना है कनेक्टर, देख सकते हो ये वायर कनेक्टर बहुत ही इजी से किधर भी आप शॉप पे मिल जाएगा आपको। तो ये वायर कनेक्टर लेना है और इसके अंदर का जो इंसुलेशन है, जो जो अपना प्लास्टिक का इंसुलेशन है उसको निकाल लेना है। तो इंसुलेशन कैसे निकालते हैं देख सकते हो, यहाँ पे इंसुलेशन निकालने के बाद यहाँ पे हमको ये चीज़ें मिलेंगी और इन चीज़ों को अभी कैसे लगाना है वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। तो ये इंसुलेशन इस तरह से निकल जाता है ये। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, हमने इंसुलेशन निकालने के बाद अपने कनेक्टर को यहाँ पे जो कंप्रेसर का थिम्बल है वहाँ पे लगाएंगे और फिर इसके अंदर वायर लगा के और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। लेकिन आपको थिम्बल लगाने से पहले आपको थिम्बल को अच्छे से सफाई कर लेना है पॉलिश पेपर मार के। और अभी हम यहाँ पे इसको देख सकते हो फ्रेंड, हमने वायर को अंदर डाल के और इसको अच्छे से प्रॉपर फिक्स करना है, मतलब बहुत ही अच्छे से टाइट कर देना है। अगर आपके पास ग्रीस है तो ग्रीस लगा देंगे तो और अच्छा है। तो यहाँ पे फ्रेंड अच्छे से दोनों साइड में दोनों स्क्रू को अच्छे से फिक्स करना है ताकि हमको हमारा लूज कनेक्शन ना हो। अगर इसको आप फिक्स कर देते हैं तो आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और थिम्बल जो है आपका रिपेयर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को